हेलो मिठीस फैमिली मेंबर, कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और हैप्पी संडे गाइस, क्योंकि आज संडे का दिन है और यहाँ मैं दूध पका रही हूँ। मीठी को दूध बिस्किट देना है और सुबह का टाइम है। और मम्मी जी यहाँ पर चने दाल को, ये देखो चने दाल को मम्मी जी ने इसमें उबाल के मतलब पका के रखा है। अब इसका क्या बनने वाला है मुझे बिल्कुल भी अभी पता नहीं है, क्योंकि मैं नहा के चली गई थी कपड़े चेंज करने कमरे में, और उसके बाद मम्मी जी नहा के आई हैं और अपने जो चावल के आटे का खूद बना के छत पे चली गई हैं पापड़ बनाने, और पापड़ नहीं वो सेव बनाने। तो अब मैं जा रही हूँ छत पर और मम्मी जी से पूछ लूँगी कि मम्मी जी ये चने दाल का आखिर आप क्या बनाने वाली हैं, और नहीं तो फिर मैं और कुछ बनाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह अभी नाश्ता नहीं बना है कुछ भी और मीठी यहाँ खड़ी है। तो मैं मीठी को दे दूँ पहले दूध, अभी दूध गर्म है, तो चलो अभी मैं पहले मीठी को दे देती हूँ दूध बिस्किट खाने को, और उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे छत पे मम्मी जी के पास, है ना, पूछने कि मम्मी जी क्या बनेगा खाने में, है ना। ठीक है चलो। तो मैं छत पे जाऊं और मेरी बिटिया रानी छत पे ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये दूध बिस्किट लेके आ गई है छत पे और मैं मम्मी जी से पूछूंगी कि क्या बनना है। और हाँ, मैंने आप लोगों को चावल के पापड़, चावल के सेव, आलू के पापड़ ये सब तो दिखा ही दिए हैं और पिछले ब्लॉग्स में। अब मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाऊंगी आने वाले ब्लॉग्स में, जैसे कि गुजिया, दही बड़े और भी बहुत सारी रेसिपी होली से पहले पहले। तो चलो पूछ लेते हैं। तो मम्मी जी बोल रही हैं कि चने दाल की बनेगी बिढ़नी, मतलब चने दाल का पराठा, चने दाल को पीस के भर के बनाया जाएगा। और ये देखो मम्मी जी इतना सारा सेव बना रही हैं, और इधर ये देखिए ये वाला सेव कल का है, एक तरफ से सूखा है अभी, एक तरफ से नहीं सूखा है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, उस चने दाल को पहले ठंडा करूँगी, उसके बाद उसको मिक्सर में पीसूँगी और फिर हम लोग बनाएँगे चने दाल की बिढ़नी और कुम्भड़े की सब्ज़ी। कद्दू भी तो रखा हुआ है, क्योंकि बिढ़नी के साथ ना कुम्भड़े की सब्ज़ी मतलब कद्दू की सब्ज़ी खाई जाती है, तो इसलिए अब बनेगा कद्दू की सब्ज़ी और बिढ़नी। तो चलो करते हैं तैयारी जब तक मम्मी जी नीचे आ जाएंगी, चलो चलते हैं। तो छत पे चाचा जी थे तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं की मैं, और नीचे आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं जो चना दाल है ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद ही इसको पीसना होता है, बहुत सारे लोग सिल पे पीसते हैं, तो छोटा वाला जार था इसमें अच्छे से पीस जाता है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। और पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है इसमें चने के दाल में, और इसको यूँ ही बस पीस लेना है, बिल्कुल सूखा सूखा सा पीसना है, वरना ये जब पराठे में जाएंगे तो बहुत गीले हो जाएंगे, और आटा भी एकदम टाइट डो बनाना है आटे का। तो चलो अब मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स करके पीस लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाबा क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं? अरे ये थोड़ा सा कद्दू को काट दीजिए, बीच से कर दीजिए आधा आधा। तो हम लोगों को क्या ऐसा माना जाता है कि कुम्भड़े को लड़कियां नहीं काटती हैं, पहले किसी जेंट्स से कटवा लेते हैं। तो दादाजी घर पे थे और कोई था नहीं, तो मैंने दादाजी से ही कटवा लिया इसको, और अब मैं इसको चुटकियों में किस तरह काटती हूँ ये देखना। तो ये सब एडिटिंग का कमाल है। और इसी बहाने दादाजी भी ब्लॉग में आ गए, और हाँ इस टाइम पे मैं बड़े खुशी खुशी आटे को मारने जा रही थी, पर मम्मी जी ने आके बताया कि वो जो डॉगी के बच्चे थे उनको ट्रक वाले ने कुचल दिया, और मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी दुखी हो रही थी, और उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा हंसना पड़ रहा था। जितना ज़्यादा हम सैड रहेंगे उसको भी बुरा लगेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को डॉगी के बच्चे वगैरह बहुत पसंद होते हैं, और हम लोगों ने उन कुत्ते के जो बच्चे थे यार उनको इतना अच्छे से मतलब केयर किया था, बस उसको हम लोग घर में नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है और सबको डॉग वगैरह नहीं पसंद होते, तो बस घर के अंदर नहीं रख पा रहे थे। बाकी उसका हम लोगों ने बहुत ख्याल रखा था, मतलब उसको एक तरह से पाला पोसा, खिलाया पिलाया, और सर्दियों के टाइम पे आग जलाते थे उसके लिए ताकि उसको गर्माहट मिले, और वो हमारी फोर व्हीलर के नीचे ही दोनों बैठे रहते थे छोटे छोटे बच्चे। बड़ा दुख हो रहा था, पर वही है ना कि मीठी की वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने हंसना शुरू किया ताकि वो उसे दुख ना लगे। वो बहुत देर तक सोच रही थी कि मम्मा मैं अब किसको खिलाऊंगी, छोटे छोटे बच्चे थे तो आप समझ सकते हो। उसके बाद फिर मम्मी जी ने यहाँ पे कद्दू को छौंकने की तैयारी की है, और इसमें सबसे पहले गया है लहसुन तेल में, और उसके बाद इसमें गया है मिर्च, और इसमें मेथी डालना ज़रूरी होता है। कद्दू आलू की सब्ज़ी जब भी बनाइए उसमें मेथी ज़रूर डालना चाहिए। तो यहाँ पे आलू कद्दू दोनों चीज़ मैंने काट ही दिया था, तो इसको मम्मी जी ने यहाँ पे छौंका लगा दिया है, और इसको थोड़ा सा चलाएंगे, मतलब ढकना तो तुरंत होता ही है, आप तो जानते हो कि मेरी हर सब्ज़ी तुरंत ढकी जाती है छौंका लगाने के बाद, ताकि जो छौंके का महक है वो कहीं बाहर ना जाए, इसी में रहे। और उसके बाद इसमें नॉर्मली बड़ा साधारण सा बनाया मम्मी जी ने, इसमें नमक डाल देना और साधारण सा ही बनता है कद्दू, और इसमें फिर हल्दी डाल देना है। तो अब हल्दी मैं निकालने जा रही हूँ बड़े डब्बे में से, क्योंकि हल्दी ख़त्म हो गई थी छोटे डब्बे की, तो मैं बड़े डब्बे में से निकाल ली हूँ। और हमारे यहाँ 6 महीने साल भर की हल्दी, खड़ी धनिया, पिसी मिर्च ये सब चीज़ घर पर ही बनती है, तो बाहर से हम लोग पाउडर वाला नहीं लेते हैं, घर पर ही बनाते हैं खड़ी धनिया को पीस पीस के और हल्दी वगैरह को पीस के। तो यहाँ पर हल्दी चला गया है सब्ज़ी में, और उसके बाद इसमें चला जाएगा टमाटर, आप चाहो तो
अमचूर भी डाल सकते हो, पर मम्मी जी के घुटने में दर्द होने लगता है ज़्यादा खट्टा खाने से, इसलिए हम लोगों ने इसमें अमचूर नहीं डाला है। और सब्जी हो गई है तैयार। अब मैं और मम्मी जी दोनों लोग मिलकर बनाने जा रहे हैं पराठे। और मैंने आटा माड़ी दिया था, और आटे का जो डो लगाना है वो कड़ा आटा रखना है, ठीक है। गीले गीले आटे में नहीं बनता है चने दाल का पराठा, थोड़ा कड़े आटे में ही बनता है। तो अब मम्मी जी बना रही हैं पराठा, और आप चाहो तो आटे में भी थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हो। चना दाल उबालते समय तो नमक जाता ही है, आटे में भी नमक डाल सकते हो, इससे दोनों में बराबर मात्रा में नमक मिला रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो अब यहाँ पे मम्मी जी बना रही हैं पराठे, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मम्मी जी पराठे बना रही। और हाँ, आप जानते हो मम्मी जी ने ना मेरे लिए कुछ किया भी है इस टाइम पर भी, आप आगे ब्लॉग में देखना। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी जब मम्मी जी ने मेरे लिए ऐसा किया, मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा भी पराठा बनता है। तो यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है इसको अच्छे से भूनना ज़रूरी होता है, इसलिए मम्मी जी ने एक साइड उसको भून रही है मम्मी जी, और इधर एक पीसी मिर्च वाला है चना दाल पिसा हुआ, और एक नॉर्मल है। तो वो जो नॉर्मल है ना उसमें मम्मी जी ने कुछ किया है, वो आप आगे देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी जी पराठे सेक रही है, और सबसे पहले सेक रही है मेरे लिए पराठे, मतलब कि वो जो मेरा पराठा है उसमें क्या खास है वो भी आप खुद देख लेना, मुझे खुद नहीं पता था। फिर जब मैं खाई तब मुझे लगा ओहो मम्मी जी ने तो इसमें कुछ कलाकारी की है। तो ये देखिए मम्मी जी इसको हल्के हाथ से बेलना होता है, मम्मी जी बोली इसको हल्के हाथ से बेलना चाहिए वरना फट जाते हैं। और पहले पोटली जैसे आटे की बना लेना है, और उस पोटली में इस चने दाल का जो पीसा हुआ चना दाल है इसको भरना है, और हल्के हाथ से थपथपाना है, और उसके बाद हल्के हाथों से बेलन से बेलना है। चने दाल की या कुमड़े की सब्जी की बैड़नी बनाए, खाइए खाइए, मीठी वाली बनाए मीठी वाली नहीं, मतलब मिर्ची नहीं डालनी है क्योंकि मैं मिर्ची वाला नहीं खाती। तो और मम्मी जी सच में मेरे लिए मीठे वाले पराठे बनाई थी, और मतलब इसमें नमकीन भी लग रहा है और मीठा भी लग रहा है, ये इतना अच्छा लग रहा है खाने में। और मैं सोची मैं मम्मी जी मजाक कर रही होंगी, मतलब बिना मिर्च वाला होगा पर मीठा नहीं होगा, पर ये मीठा वाला पराठा है। और ये पता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं पराठे के साथ मीठी चटनी खा रही हूँ, उस तरह टेस्ट आ रहा है इसका, और ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, मज़ा आ गया आज खा के। और मम्मी जी अभी देखो बना रही हैं, और अब मैं एक ठो खा लूँगी। तो देखा आपने मम्मी जी ने मुझे मीठे मीठे पराठे खिला दिए, और हाँ मैं बोलती हूँ ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो ये बात सच है। अब मैं मम्मी जी के लिए पराठे सेक रही हूँ, और मम्मी जी अब गरम गरम खाएंगी। पहले उन्होंने मुझे खिला दिया, अब मैं उन्हें बना के खिलाऊंगी। तो यहाँ पे सास बहू वाला रिश्ता है ही नहीं, हम लोग एक दोस्त की तरह, एक माँ बेटी की तरह रहते हैं, और इसी तरीके से हर सास बहू को रहना चाहिए। तो शायद कहीं भी कलेश जो होता है ना घर में वो सब नहीं होगा। अब मैं सारी चीज़ें साफ़ सुथरा कर लूँ, पोछ पाछ लूँ, और उसके बाद फिर मिलती हूँ। अभी बजे है दोपहर के 2, और आज संडे है तो बेटी तो घर पे है ही, साथ में बेटी के पिताजी भी घर पे ही हैं, और ये फिल्म देख रहे हैं, कौन सी, बागी 2 देख रहे हैं। और मैं बाहर से सारे कपड़े ले आई, वो देखिए वो रखा हुआ है, और कपड़े जो थे डालने थे वो बाहर डाल आई, और सर पे दुपट्टा लो ना तो ये ऐसे हो जाते हैं। तो मीठी क्या पढ़ाई कर रही बेटी, क्या पढ़ाई कर रही हो? ये चार्ट पेपर में से देख देख के नीचे लिखती रहती है ABCD। तो अब हम, मतलब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी और फ़ोन वगैरह चलाऊँगी, उसके बाद फिर मैं कपड़े फोल्ड करूँगी, और फिर 2 बजे ही है, 3-4 बजे तक थोड़ा रेस्ट करूँगी 2 घंटे, उसके बाद फिर वही चाय वही डिनर यही सब लगा रहता है। तो ना लगा दे, क्या लगाना है? चिंटू पिंकी, चिंटू पिंकी। तो ये देखो पति देव जी गाड़ी धोने में व्यस्त हैं अपनी। अरे यार नई नई तो है, उसको कितना चमकाओगे, अभी नई नई धन्नो है ना, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही केयर किया जा रहा है अपने धन्नो की। तो यहाँ पतिदेव अपनी बाइक को चमका रहे हैं, और मैं दूसरे साइड बाहर मतलब कपड़े लेने गई हूँ, जितने कपड़े सूख गए थे वो सब लाने जा रही हूँ अंदर। और ये शाम का 4 या 5 का टाइम हो रहा था, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, पर शाम हो गई थी और पानी आ गया था, मतलब नल चालू हो गया था। और ये देख रहे हो कितना मतलब स्पीड में पानी आया था आज, क्योंकि कई दिनों से ना रोज़ दोपहर में ही पानी आ रहा है, 3-4 बजे ही आता है पानी। तो ये खूब अच्छे से अपनी बाइक को धो लिए हैं, और अभी देखना इधर से आएंगी साइड से चाची, और ये दोनों की मस्ती इतनी चलती है ना दिन भर, दोनों बुआ भतीजी खेलती कूदती रहती हैं। और यहाँ पे मेरी बड़ी वाली चाची आ गई थी, तो अब मैं चलो चलती हूँ और थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। बस मीठी, बस पानी से होली खेल लो। सो गाइस अब इनकी गाड़ी वाड़ी सब धुल चुकी है, और अब ये जा रहे हैं बाहर से पाइप निकालने, क्योंकि ये देखिए
इस तरीके से पाइप बाहर लगाया जाता है, उसके बाद अंदर पानी आता है। तो गाइस ये देखो मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि आज संडे है और मार्केट ना जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, तो ये जा रहे हैं। तो चलो अब मैं भी जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। थोड़ा सनस्क्रीन वगैरह ले रहा है, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा डे क्रीम भी खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा। तो अब मैं जा रही हूँ और अभी 6:30 बज रहे हैं, और मैं लेके जो भी आऊँगी, थोड़ा बहुत जो भी लेके आऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो चलते हैं मार्केट। इसीलिए आज नहलाए थे क्या अपनी गाड़ी को? तो मैं जब भी मार्केट आती हूँ तो माता रानी का दर्शन ज़रूर करती हूँ, और आज तो सोने पे सुहागा हो गया। अगर आपको भी भजन वगैरह पसंद है तो आपको भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, प्रतियोगिता चल रही थी भजन की। तो चलो आप लोग भी सुनो भजन, और इतना बढ़िया शानदार भजन हो रहा था यहाँ पे। देखो मैं खड़ी हूँ और पति देव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो पति देव के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और आप लोग भी पूरा भजन सुनना, उसके बाद चलेंगे शॉपिंग करने, ठीक है? निवेदन आप सभी से कि भजन के साथ राम राम शब्द बोलिए और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाइएगा। दोनों हाथ ऊपर और कैसे तालियां बजाना है? महिला का जन्म सिद्ध अधिकार है श्रृंगार। तो चलिए अब चलते हैं कॉस्मेटिक की दुकान पे और ले लेते हैं कुछ सामान। और हाँ, मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें भी बताऊंगी इसमें, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बता दूंगी। तो यहाँ पे मैं एक सनस्क्रीन भी चाह रही थी, एक अच्छा सा, और एक डे क्रीम भी चाह रही थी। तो उन्होंने मुझे लोटस की भी दिखाई, लैक्मी की भी दिखाई, और सारे ऊँचे ऊँचे ब्रांड थे, और सारे सही बताऊँ तो 350, 400, 250 ऐसे ही थे, मतलब 200-300 के नीचे तो थे ही नहीं। तो मैंने एक अफोर्डेबल प्राइस पे सनस्क्रीन लिया जो कि बिल्कुल भी ऑयली नहीं था, और यहाँ पे लैक्मी पीच मिल्क ये सब कुछ मैंने देखा। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ फालूदा खाने, और मैं चॉकलेट फालूदा खाऊंगी, और मुझे इतना पसंद है फालूदा कि मैं क्या बताऊँ। तो एक ग्लास ले लो ना तो आधा ही मैं खा पाती हूँ, और आधा मेरा मन भर जाता है खाते खाते, पर मज़ा आ जाती है खा के। ऐसी चीज़ खाती हूँ ना जिससे मुझे संतुष्टि मिल जाए। और मेरे पति देव बहुत सपोर्टिव है, बस वो सामने नहीं आते कैमरे के, बाकी पूरा सपोर्ट करते हैं YouTube चैनल को। तो अभी रिकॉर्डिंग वही कर रहे हैं, तो चलो खा पी के मिलती हूँ आपको सीधा घर पे। 7:30 बजे हैं और हम घर आ चुके हैं, और बस मैंने फालूदा खाया और मीठी के लिए आइसक्रीम ली, और मैं घर आ गई। और मैं जो भी सामान लाई हूँ मैं कल आपको इत्मीनान से, ये है सारा सामान, और कल इत्मीनान से मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मुझे बतानी है आप लोगों को, मैं जो देख कर आई, जो समझ के आई हूँ, तो कल मैं ट्राईपॉड पे फ़ोन को सेट करूँगी, क्योंकि अभी मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। 10% बैटरी है, और अभी मुझे खाना भी बनाना है और मसाले की तैयारी करनी है, क्योंकि आज रसे वाली सब्जी बननी है, क्योंकि आज संडे है और सब लोग मसालेदार सब्जी खाने को बोल रहे। तो कटहल बनेगी, और कटहल की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है पहले से ही। तो अब मैं कल दिखाऊंगी मैं सामान जो भी लाई हूँ, अच्छे से बताऊंगी, समझाऊंगी, दिखाऊंगी, क्योंकि गर्मियों का टाइम आ गया है, तो ये जो भी लाई हूँ मैं गर्मियों के पर्पज़ से लाई हूँ। तो चलो ठीक है, अब मैं इस वाले ब्लॉग का कर दूँ एंड, और मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और गाइज अपना पूरा पूरा ख्याल रखिएगा, और मेरे ब्लॉग्स को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।